नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस लोकप्रिय YouTube चैनल बनता हूं। ये अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मुख्य परिवर्तन इस महीने में ग्रहों के देखने को मिलेंगे। ग्रहों का प्रभाव है ये सभी के ऊपर पड़ता है और अच्छा और बुरा समय हमारे जीवन का हिस्सा होता है। इस महीने में मुख्य जो परिवर्तन रहेंगे अगस्त के वो है सूर्य का, मंगल का, शुक्र और बुध का। सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और इनका जो राशि परिवर्तन है वह अपनी ही सिंह राशि में रहेगा। इसके अलावा मंगल जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर नीच के चल रहे हैं वो अगस्त के महीने में उनकी जो नीचता है वह खत्म हो जाएगी और 8 अगस्त को मंगल भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बुध का राशि परिवर्तन 4 अगस्त को कर्क में होगा, कर्क के बुध हो जाएंगे और ये 4 तारीख से लेकर के और 26 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और अंतिम जो परिवर्तन है वह रहेगा शुक्र का। शुक्र जो है वो 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब कहने का अर्थ यह हुआ कि जो मुख्य 3 युतियां एक सूर्य की, शुक्र की व मंगल की, इन 3 ग्रहों की युतियां आप ये मान लीजिए कि 17 अगस्त के बाद हो जाएगी और अगले 13-14 दिन तक, क्योंकि हम अगस्त की बात कर रहे हैं युति तो लंबी रहेगी पर ये अगले 13-14 दिन विशेष सावधानी के साथ में व्यतीत करने वाले रहेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं मेष राशि की। आपके लिए दोस्तों आपकी राशि के स्वामी मंगल है जो कि नीच के होकर के आपके मन पर बैठे हैं। अभी थोड़ा सा समय और है, शुरुआती 17 दिन का इसको निकालिए। इसके बाद जो ग्रह गति है वह आपके लिए फेवरेबल हो रही है। मेष राशि में क्योंकि आपकी राशि के ही स्वामी नीच के चल रहे हैं और आयु के लॉर्ड होकर के, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा कष्टकारी फर्स्ट 15 डेज रहेंगे और साथ में जब ये परिवर्तन हो जाएगा तो बहुत जबरदस्त ग्रह गति आपकी यहां पर बनेगी। उसका कारण ये होगा कि मंगल सिंह राशि में बैठेंगे, सूर्य भी सिंह राशि में स्वयं राशि के हो जाएंगे, तो ये आपके एजुकेशन के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपकी हायर स्टडीज के लिए बहुत ही लाभप्रद स्थिति को यहां पर तैयार कर देंगे। इसलिए दोस्तों मेष राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बात करते हैं वृष राशि की। आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र हैं और शुक्र शुरुआती दौर में आपके साहस पराक्रम के भाव में अपने शत्रु की राशि में रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो साहस है उसको प्रभावित करेंगे। मन डामाडोल रहेगा, विचलित रहेगा, कार्यों में ज्यादा मन नहीं लगेगा क्योंकि नीच के मंगल के साथ में है, पर ये प्लेनेटरी पोजीशन बदलेगी और ये बदलती हुई जो पोजीशन है वो 9 तारीख से यानी कि 9 अगस्त के बाद थोड़ा फेवरेबल होगा और पूर्णतः 15 तारीख के बाद ग्रह गति अच्छी हो रही है। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ओपल रत्न आप धारण कर लें। इस रत्न को पहनने से आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, आपकी लगन के लिए अच्छा हो जाएगा, शरीर के लिए अच्छा हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाएगा और आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। जो लोग फिल्म लाइन
एक्टिंग लाइन, कपड़े का व्यापार करते हैं, फूड से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बड़ा लाभप्रद होने वाला है फर्स्ट हाफ यानी कि 15 तारीख के बाद। मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए जो प्लेनेटरी पोजीशन रहेगी, इसमें आपकी राशि के स्वामी, आपकी लगन के स्वामी बुध हो जाते हैं और बुध आपके शरीर के और आपके मन के लॉर्ड होकर के शुरुआती जो दौर रहेगा इसी में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वह भी 3 अगस्त को धन भाव के ऊपर। धन वृद्धि का बहुत सुंदर योग बनेगा। आपको यहां पर एक पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। आपकी वाणी पर शुद्धता होगी, वाणी से बोले हुए मीठे शब्दों से आपके काम बनेंगे, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैं आप कह सकता हूं कि आपको मन लगा के अपने कार्य को निपटाने के लिए, पूर्ण करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सफलता निश्चित तौर पर आपको इस महीने मिलती हुई नजर आ रही है। आग्रह यह रहेगा कि जब 17 तारीख के बाद सूर्य मंगल की युति आपके साहस पराक्रम के भाव में होगी तो ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आपकी विल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए इस चीज से आपको बचने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें आपके लाभ की, तो आपके लाभ का जो लॉर्ड है वो यहां पर मंगल है और 3rd हाउस में बैठा है। विदेशों से लाभ आने का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है और जो लोग बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड कार्य करते हैं, यह पोजिशन रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए कर्क राशि के जातकों, जो ग्रहों का प्रभाव है इसमें, आपकी राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और बुध बैठे हैं। सूर्य और शुक्र तो लगभग 17 अगस्त के बाद इनका मूवमेंट हो जाएगा, पर बुध बैठे रहेंगे। इसीलिए आपको जो कार्य करने हैं वो अभी आपके लिए समय ज्यादा अच्छा दिखाई देता है करने के लिए। इसके बाद का जो समय है उसमें आपकी वाणी में कटुता आ जाएगी, अभद्रता पर आप उतर आएंगे। इसलिए फर्स्ट 9 डेज में आपसे कहना चाहूंगा अगस्त के महीने के, मुख्य रहेंगे, निर्णायक रहेंगे। जो मेजर डिसीजन आप करना चाहते हैं उनको कर लीजिए। और दोस्तों, आपके जन्म कुंडली के अंदर आपकी सरकारी नौकरी का लॉर्ड यहां मंगल बनता है और मंगल धन भाव पर रहेगा, तो इसलिए सरकारी नौकरी वालों के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होने की जो स्थिति है वो यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कर्क लग्न में मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, राजयोग कारक हो जाता है और धन पर ये बैठेगा 9 अगस्त के बाद में, तो आपके लिए एक सुंदर धन वृद्धि का योग और सरकारी नौकरी का योग लेकर के आएगा। यह स्थिति रहेगी कर्क राशि की। इसके अलावा आप अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए इस महीने एक तो उपल रत्न धारण करके रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और साथ में एक मूंगा रत्न भी आप धारण कर सकते हैं धन वृद्धि के लिए। पर इसको पहनने के बाद थोड़ा परिवार के साथ में तनाव जरूर बढ़ेगा, पर आपके लाभ के लिए, आपके नौकरी के लिए और धन के लिए ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह है आपकी शुरुआती फर्स्ट 4 राशियां। आप भी चाहते हैं जन्म कुंडली बनवाना, दिखवाना, प्राण प्रतिष्ठित रत्न खरीदना या पूजा पाठ कराना या एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनना, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं क्लासेस पढ़ाऊंगा। पूजा पाठ हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों से, वैदिक एक अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा कराई जाती है, जिसमें मैं स्वयं भी बैठता हूँ, उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।